नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे किसी अज्ञात व्यक्ति ने लावारिस हालत में छोड़ दिया। गनीमत रही कि गश्त कर रही चीता पुलिस की नजर बच्ची पर पड़ी, जिसके बाद बच्ची को तत्काल इलाज के लिए ऋषिकेश लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। बहरहाल बच्ची को छोड़ने वालों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। देवभूमि को शर्मसार करती घटना देहरादून से सामने आ रही है, जहां नेपाली फार्म के पास चीता पुलिस को देर रात गश्त के दौरान सड़क किनारे एक नवजात बच्ची पड़ी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की सूचना रायवाला थाने को दी। साथ ही वाहन मंगवा कर बच्ची को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भेजा गया। बताया जा रहा है कि बच्ची को जन्म के तुरंत बाद ही सड़क पर छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि बच्ची को सड़क पर किसने फेंका है। आपको बता दें कि देर रात करीब 2 बजे गश्त कर रहे चीता पुलिस के जवानों को बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। इस दौरान जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सड़क किनारे चादर में लिपटी नवजात बच्ची थी। वहीं बच्ची को सड़क किनारे पड़ी ईंटों के पीछे रखा गया था। गनीमत रही कि गश्ती की टीम सजगता से बच्ची की जान बचा पाई और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने बच्ची को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है, लेकिन शर्मसार कर देने वाली इस घटना से फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर किस तरह लोग नन्हे मासूमों को लावारिस छोड़कर चले जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दुनिया में आते ही उसे लावारिसों की तरह फेंक दिया जाता है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।